यहाँ से सनसेट होगा और जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें जाना है और अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कौन सा झूला है भाई? हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम जा रहे हैं एक माइटी बनियन ट्री देखने जो लगभग 100 साल पुराना है और वहां से हम देखने वाले सनसेट। तो मेरे साथ जा रहे हैं दो दोस्त, आजाद और महेश। ओके, तो चलिए आपको ले चलते उस बनियन ट्री के पास और सबसे पहले हम जाएंगे आज़ाद को पिकअप करेंगे, फिर वहाँ से महेश को पिकअप करेंगे, फिर जाएंगे उस बनियन ट्री को देखने और आपको दिखाएंगे वहाँ से सनसेट। तो चलिए गाइस, अभी निकलते आज़ाद के पास। आज़ाद है नज़दीकी, एक गैराज में अपने बाइक को रिपेयर कर रहा है, पर सबसे पहले उसे उठाते हैं, फिर बाद में महेश के पास जाते। तो लगभग पहुँच गए आज़ाद के पास और यही है नज़दीकी। और गाइस, ये रहा वो बंदा। चलो, अरे वाह, बढ़िया। अबे अबे अबे। तो गाइस, आजाद को मैंने पिकअप कर लिया है, अभी जा रहे हैं महेश को लेने, फिर वहां से सीधा निकलेंगे उस माइटी जायंट बनियन ट्री के पास। और शाम के अभी लगभग बज रहे 4:30, तो जल्दी से जल्दी उसको लेते और निकलते उस ट्री के पास, क्योंकि अभी टाइम नहीं है अपने पास ज़्यादा। और वहां से हमें थोड़ा बहुत ट्रैक भी करना पड़ेगा, उस ट्री तक हमें थोड़ा बहुत ट्रैक भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो है पहाड़ के ऊपर। तो गाइस, महेश को पिकअप करने पहुंच गया और अभी आप देख सकते हो 5 बजने को आ रहा है और अभी हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि ठंडी का मौसम चल रहा है और जल्दी सनसेट हो जाता है, लिमिटेड टाइम है हमारे पास। तो जल्दी से इसका पिकअप करते और पहुंचते उस लोकेशन पर। आज़ाद वेट करता है तिकड़े मेन रोड कड़े। चलो, अपने कौन सा साइड में जाए करूँ जाए। लेट्स गो। तो गाइस, आज़ाद और महेश दोनों आ गए, अभी निकल रहे हैं हम उस लोकेशन पर और वहाँ से वो सनसेट दिखेगा ना गाइस, और वो माइटी पेड़ जो 100 साल लगभग मेरे अंदाज से 100 साल पुराना है। तो चलिए, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है, देखो सन अभी ये ढलने को आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी पहुँचते उस लोकेशन पर, क्योंकि हमें वहाँ थोड़ी देर ट्रैक भी करना पड़ेगा, लगभग 10 मिनट ट्रैक करना पड़ेगा। तो चलिए, आपको ले चलते उस लोकेशन पर। तो गाइस, जिन लोगों की बात कर रहा था ये रहे वो दोनों। और क्या दिख रहे हैं गाइस, बाइक खतरनाक, और मेरी एक फेवरेट बाइक है ये, इसको चलाया मैंने, एकदम मज़ा आता है। ये रॉ गाड़ी है, लेकिन ये कंपनी भी बंद हो चुकी है। और वो जो पेड़ है ना बनियन ट्री, इतना खतरनाक जगह पर है, मतलब ऐसे समझो कि पूरे पहाड़ पे वो सिंगल प्ले, पूरे पहाड़ पे वो अकेला पेड़ है, बाकी पूरा पहाड़ ऐसा बंजर टाइप है। अभी बरसात के कारण वो ग्रीन हो चुका है, लेकिन उसके आसपास, लेकिन वो सिंगल पेड़ है वहाँ पर। वहाँ से अगर हम सनसेट देखेंगे तो गाइस, आप समझ सकते हो कितना अल्टीमेट व्यू दिखेगा। तो चलिए, अभी ये देखिए गाइस सामने का व्यू। आप इस रोड से कितनी भी बार ट्रैवल करो बोर नहीं होते, क्योंकि ये जो व्यू है बहुत ही सुंदर व्यू है। और हमें इसी तरह की जगह पर जाना है जहाँ पे है वो पेड़, तो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि आप सब दिखने में ये जो देखो आप पहाड़ कितने सुंदर लग रहे हैं, लेकिन इसी पहाड़ के ऊपर वो पेड़ है। A few moments later. तो चलिए गाइस, यहाँ पे करते हैं बाइक पार्क और यहाँ से जाना है हमें पैदल उस पेड़ के पास। तो गाइस, वहाँ पर जाने से पहले हमने यहाँ पे बाइक पार्क कर दी, क्योंकि वहाँ पे बाइक पार्क नहीं होती। तो चलिए, अभी जाते। सो गाइस, हम उस व्यू पॉइंट के लिए निकल चुके, लगभग यहाँ से 1 से 1.5 किलोमीटर हमें चलना है उस ट्री के पास। और आगे देख रहे हो आप वो पहाड़, उसे बोलते हैं एलिफेंट माउंटेन, और ये हमारे दो एलिफेंट आगे चलते हुए।
लेकिन गाइज व्यू अल्टीमेट, बहुत ही सुंदर व्यू है। तो चले आपको ले चलते उस माउंटेन के पास। और देखिए गाइज, जिसे बोलते हैं एलिफेंट माउंटेन, और एक बैठा हुआ एलिफेंट और माउंटेन की शेप में, इसी वजह से इसको एलिफेंट माउंटेन बोलते हैं। सो गाइज, जैसे जैसे चलते जा रहे हैं टाइम धीरे धीरे बीतता जा रहा है, और ये जो सर है ना इस साइड, यहाँ से सनसेट होगा। और जो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें जाना है, और अभी भी यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। सो गाइज, ये देखिए, ये किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लेकिन इन्होंने, ये देखिए गाइज हम कहाँ से जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसा रोड बना है, ये दोनों पहाड़ के बीच में, मतलब एक सिंगल पहाड़ था ये, इस पहाड़ को तोड़ के एक ऐसा रोड बना है, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। अभी चलने की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सांस फूल रही है, लेकिन मज़ा आ रहा है गाइज। ये देखिए रोड, काफ़ी सुंदर ऐसा रोड है। सो गाइज, वो रहा बनियान ट्री, शायद से हम पहुंच पाएंगे सनसेट देखने के लिए। लेकिन ये देखिए कुछ ऐसा व्यू, और वो रहा सनसेट, दिखेगा नहीं दिखेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में हमें 10 मिनट लगेंगे, तो वहाँ पहुँचते और दिखाते आपको। लेकिन पहुँचने से पहले ये देखिए कुछ ऐसा है व्यू। सो गाइज, वो रहा वो ट्री जिसके लिए हम आए, और वो पहाड़ के ऊपर है, और मस्त दिख रहा है गाइज। और ये रहा सन जो हमारा वेट नहीं कर रहा है। तो चलिए गाइज, पहुँचते जल्दी जल्दी और दिखाते हैं आपको सनसेट। तो गाइज, इंतज़ार ख़त्म हुआ, जिस तलाश में आए थे, जो डेस्टिनेशन था हमारा बनियान ट्री और सनसेट पॉइंट, तो आ गया है एग्जैक्टली हमारे सामने। तो ये देखिए बॉयज, ये रहा वो बनियान ट्री, काफ़ी सुंदर लग रहा है गाइज, काफ़ी सुंदर। सो गाइज, ये रहा वो बनियान ट्री जिसके लिए हम आए थे, और गाइज इसके रिलेटेड बहुत सारी यादें हैं, बचपन की यादें, कि जब भी हम गांव में जाते थे तो ऐसे ही पेड़ पे, मतलब इसी तरह के पेड़ पे हम झूला झूला करते थे। और ये देखिए बॉयज, क्या सुंदर लग रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो पूरे पहाड़ पर ये अकेला ऐसा बड़ा ट्री है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे तो है, लेकिन इससे बड़ा पेड़ नहीं है, लेकिन दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर। और गाइस, सनसेट हुआ नहीं कि हमारे चंदा मामा भी निकल आए, जैसे ये साहब नीचे जाएंगे तो वैसे ही ये साहब ऊपर आ जाएंगे, लेकिन क्या ही सुंदर। लेकिन गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर ऐसा व्यू है यहाँ का, और एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा हो रखा है। और सो गाइस, सनसेट के मैंने कुछ क्लिप्स निकाला है, टाइम लैप्स निकाला है, उसे आप इंजॉय करें। और बाद में मैंने इस बनियान ट्री का एक सिनेमैटिक्स निकाले, तो वो भी आप इंजॉय करें। बचपन की यादें ताजा होती हैं। तो गाइस, बचपन की यादें
हमारी एसी जब हम गांव में थे तो ऐसे ही जोरा झुलते थे। चलो गाइस बचपन की कुछ यादें ताज़ा करते और झूला झूलते। ये कौन सा झूला है भाई? तो गाइज ये रहा वो बनियान ट्री जो से कि आप पीछे देख पा रहे हो, और लगभग 100 साल हो चुके इस पेड़ को ऐसे के ऐसे ही खड़ा है, लेकिन गाइज बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और अभी जस्ट 15 मिनट पहले सनसेट हो चुका है, अभी थोड़ी थोड़ी रोशनी बाकी है। और ये चंदा जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, ये चाँद भी अभी निकल रहा है धीरे धीरे, और जैसे सनसेट हो जाएगा पूरा तो ये और ऊपर आ जाएगा। लेकिन गाइज यहाँ के व्यूज़, यहाँ के वाइब्स बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जैसे मैं ये पेड़ के पास आया हूँ तो मेरे बचपन के जो यादें वो ताज़ा हो चुकी है, क्योंकि जब मैं छोटा था तो ऐसे ही पेड़ पे हम खेल खेला करते थे। बहुत सारी यादें मेरे बचपन की ताज़ा हो चुकी है, जैसे कि मैं झूला झूल रहा था और बहुत सारे गेम्स यहाँ पे हम खेला करते थे, तो मज़ा आ रहा है गाइज। और आप सिनेमैटिक्स तो आपने देख लिया है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट ऐसे सिनेमैटिक्स है, तो होप है कि आपने ये सिनेमैटिक्स इंजॉय करे हो। सो गाइज गांव में रहने का यही एक फ़ायदा होता है कि आपको सनसेट और सनराइज़ दोनों दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम सिटी में आते हैं तो ये जो व्यूज़ है ये हम मिस कर जाते। तो चलिए अभी थोड़ी देर और यहाँ बैठते और निकलते घर के लिए। चलिए गाइज अभी अंधेरा होना शुरू हो चुका है तो यहाँ से फटाफट निकलते, क्योंकि अभी 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा और यहाँ पे हमें जाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10-15 मिनट का ट्रेकिंग का पार्ट है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ के अच्छे रास्ते बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो अभी निकलते, होप है कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो गाइज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो गाइज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको देखने को मिले। अभी के लिए टिल देन बाय बाय। I think I'm in love, say it way too often. I can't play these games, think I'm switching up the offense. See me in LA, I'll be moving cautious, I can feel no pain.